अब तक जिन्होंने क्रू मीडिया रूम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर पहले सब्सक्राइब कीजिए। और अगर हमारे चैनल की अपडेट को जानना चाहते हैं, तो उसके बगल में दिए गए बेल आइकॉन को दबाकर आप हमारी अपडेट की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, चेन्नई राधा इंजीनियरिंग संस्था की ओर से आपका लक्ष्मी नारायण अमात। आज का मुख्य समाचार इस प्रकार का है। KICT PPL साइट को विशेष उद्घाटन पूजा पारादीप के साथ शुरू किया गया था। यह उल्लेख करना अति अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि हमारी कंपनी भारत में कई स्थानों पर O&M का काम उत्कृष्टता से के साथ कर रही है। चूँकि हम पारादीप बंदरगाह पर PPT MCH और JSW PDP लौह अयस्क के हैंडलिंग में से पहले ही कई उपलब्धियां बना रहे हैं, अब हमारे संगठन ने 15 अक्टूबर 2021 को सुबह 5 बजे 10 मिलियन टन की क्षमता वाले 2 सिप अनलोडर्स 3 स्टेकर कम रिक्लेमर्स के साथ अपना O&M काम शुरू कर दिया है। और KICTPPL में एक विशेष पूजा के साथ 2 रैपिड लैंडिंग सिस्टम। हमारे निदेशक श्री VR रामू ने इस पूजा में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाग लिया था और सभी को अपनी शुभकामनाएं दी थी। और हमारे रेसिडेंट मैनेजर श्री ए रमेश, श्री सबनेगम, श्री मोहन और रखरखाव विभाग के कई कर्मचारियों ने इस विशेष पूजा में भाग लिया और अपनी शुभकामनाएं साझा की। हमारी परिवहन टीम ने APSEZL साइट पर एक्सक्वेटर में इंजन की प्रतिस्थापना के साथ एक्सक्वेटर की विश्वसनीयता बढ़ा दी थी। हमारी APSEZL साइट में ट्रक कोयला लोडिंग और यार्ड रखरखाव पुराने वाहनों द्वारा किया जाता था जो 10 साल से अधिक पुराने थे और जिसके कारण हमारी टीम को इंजन और स्विंग डिवाइसेस पर ब्रेकडाउन का सामना करना पड़ा ताकि ऑपरेशन टीम के लिए बेहतरीन तरीके से उपलब्धता संभव हो सके। उसी के लिए समाधान खोजने के लिए हमारी साइट प्रबंधकों की सलाह के अनुसार हमारी ट्रांसपोर्ट टीम ने हमारे क्लाइंट को इंजन और स्विंग डिवाइसेस के माध्यम से अक्सर होने वाले ब्रेकडाउन के बारे में बताया और नए इंजन खरीदने की भी सिफारिश की। उसके बाद उन्होंने क्लाइंट से नए इंजन प्राप्त किए और सभी वाहनों पर इसे उत्कृष्ट रूप से ठीक किया। इसके अलावा इंजनों को बदलने के लिए आवंटित समय के भीतर हमारी टीम ने इंजनों के साथ बदलने के दौरान नई बियरिंगों को ठीक करके X04 और X10 पर स्विंग असर की समस्याओं को भी हल किया था। इन प्रभावी क्रियान्वयनों के माध्यम से वाहनों की विश्वसनीयता बढ़ी और ट्रक कोल लोडिंग और यार्ड रखरखाव को उत्कृष्ट तरीके से करने के लिए उपकरण दिए गए। हमारे प्रबंधक श्री महेश कुमार, श्री लक्ष्मणन और श्री तपन कुमार सरकार ने हमारी परिवहन टीम को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए शुभकामनाएं दी। JSW पारादीप साइट पर 24 घंटे के भीतर LNT ट्विन टिपलर से 5 रेक उतारने के लिए हमारी टीम को सराहना मिली। एक अन्य उपलब्धि के रूप में हमारे JSW पारादीप पोर्ट में 22 अक्टूबर 2021 को सुबह 6 बजे अगले दिन सुबह 6 बजे 23 अक्टूबर 2021 लगातार 24 घंटे के भीतर हमारी टीम द्वारा LNT ट्विन टिपलर के माध्यम से 5 रेक उतारे गए। विशेष रूप से रात के दौरान ही उन्होंने उतराई पर एक उपलब्धि हासिल की क्योंकि उन्हें लगभग 3 रेकों को उतार दिया था। अगले पूरे गीले लौह अयस्क को उतारने के लिए एक नई सुविधा के साथ वैगन टिपलर पर भी आवश्यक संशोधनों को पूरा किया गया। पिछले वर्ष के दौरान हमारे कर्मचारियों द्वारा लगभग 8 वैगन अनलोड किए गए थे। यह वास्तव में काबिले तारीफ है कि वैगन टिपलर हाउस टनल क्षेत्र को लगातार साफ सुथरा रखा गया है और इस कठिन काम को बेहतरीन तरीके से किया जा रहा है। इस सत्य प्रथा
मोगापात्रा, मेसर्स JSW के ऑपरेशन AGM और मेसर्स JSW के अन्य सभी उच्च अधिकारियों ने संयुक्त रूप से इस सराहनीय कार्य के लिए हमारी टीम को एक प्रशंसा पत्र जारी किया और अत्यधिक सराहना की। अंत में हमारे रेसिडेंट मैनेजर श्री HK मंडल, O&M मैनेजर श्री R राजा राम, HOD श्री दिलीप जेना और श्री निरंजन मिश्रा ने भी JSW पारादीप में हमारी टीमों को धन्यवाद और शुभकामनाएं दी। हमारी E&I टीम ने फुजैरा के पोर्ट पर नए बेल्ट वेइगर स्थापित करके अनावश्यक सामग्री लागत से बचा था। हम अपने पोर्ट ऑफ फुजैरा साइट पर कार्गो के जहाज़ों में लोड कर रहे थे। निर्यात किए जाने वाले कार्गो की मात्रा को मापने के लिए केवल एक बेल्ट वेइगर उपलब्ध था। इससे निर्यात किए जाने वाले कार्गो को सटीक रूप से मापना मुश्किल हो गया और कार्गो शिपमेंट की मात्रा और जहाज के ड्राफ्ट आकार के बीच अंतर आया। इसके अलावा यदि अतिरिक्त कार्गो लोड हो जाता है तो हमारे लिए इसे उतारना मुश्किल होगा। इससे अनावश्यक सामग्री लागत भी हो सकती है। हमारी E&I टीम ने इस कठिनाई को पाया था। दो नए बेल्ट वेइगर स्थापित करने के लिए पुर्जों को एकत्र किया ताकि सही ढंग से लोड होने वाले कोयले के स्तर की गणना की जा सके और कन्वेयर 1 और कन्वेयर 11 में इसे स्थापित किया, जिसके कारण हम निर्यात किए गए कार्गो को पूरी तरह से मापने में सक्षम हैं और अतिरिक्त कोयले की लोडिंग और अनावश्यक सामग्री लागत से भी बचा है। साइट पर हमारे उच्च अधिकारियों ने सभी सुरक्षा उपायों का पालन करके इन कार्यों को समय पर और साथ ही उत्कृष्ट तरीके से पूरा करने के लिए E&I टीम की तहे दिल से सराहना की है। और इस प्रकार न्यू खबरों के लिए क्रू न्यूज के साथ जुड़े रहिए। और आप हमारा क्रू मीडिया को जानना चाहते हैं तो क्रू मीडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।